के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में मनमानी फीस वसूल किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान प्राचार्य और परिषद के सदस्यों में हुई तीखी नोकझोंक। गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित विकास नगर कॉलोनी के पास गोली चलाने वाले 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर प्रशासन को 24 घंटे के भीतर एबीपीपी कार्यकर्ताओं पर की कार्रवाई की मांग। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खुद को बताया पीड़ित। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्राचार्य द्वारा एबीपीपी के कार्यकर्ताओं से किए गए दुर्व्यवहार के आरोप को लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए जिला महिला चिकित्सालय में कुशल चिकित्सक प्रशिक्षित कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को। यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक ने दिया एमजी इंटर कॉलेज के छात्रों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी। कहा लापरवाही से हो सकती है बड़ी दुर्घटना। गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। गोरखपुर रेलवे प्रेस को बंद किए जाने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के सदस्यों ने दिया धरना। कहा रेल अधिकारियों के षड्यंत्र को नहीं होने देंगे सफल। बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई क्रीड़ा समिति की जिला स्तरीय बैठक। विद्यालयों में राज्य स्तरीय विधि खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर किया गया मंथन। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों ने दूसरे दिन भी उपवास जारी रखकर जताया विरोध। जिला फुटबॉल लीग में स्टार स्पोर्टिंग ने धन स्पोर्टिंग को 1-0 और यंग बॉयज चरगावा ने संतोष स्पोर्टिंग खुराबार को 2-1 के अंतर से दी मात। और उत्तर प्रदेश सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत अलहदादपुर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कुल 112 बच्चों को बांटा गया स्कूली यूनिफॉर्म।